बाबूजी, आइए ना बाबूजी, घर वापस लौटिए बाबूजी, आइए ना बाबूजी, मेरी खातिर। तुम मुझे जल समाधि से वापस लेकर आई हो और मैं इस कारण वापस आया हूं क्योंकि तुम आश्रम छोड़कर लौट आई हो। अब मुझे तुम्हारे प्रति दायित्व पूरे करने हैं, इसका आभास मुझे हो रहा है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। देव बाबू आप बैठिए ना, चलो। अरे बेटा बैठो ना, बैठो। बिटिया, तेरे बाबूजी जब तुझे लेने आश्रम गए थे तो मैंने तेरे कमरे की अच्छे से साफ सफाई करके इसको सजा दिया था, पर जब तूने अपने बाबूजी के साथ आने से मना कर दिया तो मैं बहुत निराश हो गई थी। पर मैं समझ सकती हूँ बिटिया कि तूने आश्रम में दीक्षा क्यों ली और अपने बाबूजी के साथ आने के लिए मना क्यों किया। अब जब तू आ गई है बिटिया तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। बिटिया, इस कमरे में मेरी दोनों बेटियों की यादें बसी हुई हैं। माँ, अच्छा चलो बिटिया, अब मैं एक पल भी तुम्हें इन आश्रम के कपड़ों में नहीं देख सकती, जल्दी से कपड़े बदल लो। तुम्हारे बाबूजी भी अपनी पुरानी राधिका को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है। मुंबई गए थे ना देव बाबू? क्यों पूछ रहे हैं आप मुंबई के बारे में? क्यों जानना चाहती हैं उसके बारे में जिसे मैं अमृत मानकर उसका तर्पण कर चुका हूं? अब मेरी केवल एक ही पुत्री है, राधिका। आप भी अब से केवल राधिका के विषय में ही सोचेंगे। मुझे ये विचार करके ही अत्यंत कष्ट होता है दामाद बाबू के विशाखा के कारण आपके परिवार को कितने कष्ट उठाने पड़े। उसके कृत्यों के कारण हमारा पुरोहित परिवार से संबंध ही टूट गया। बाबूजी, आप खुद को दोष मत दीजिए। आपका और हमारा परिवार आज भी एक ही है। जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से आपका और हमारा रिश्ता टूटा नहीं है। मैं आज भी आपकी उतनी ही इज्जत करता हूं। तुम्हें घर में वापस पाकर
मैं अत्यंत प्रसन्न हूं बेटी। आज देखना मंदिर में संध्या आरती के समय जब तुम भजन गाओगी तो मंदिर का वातावरण फिर से पावन हो जाएगा। बाबूजी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके मंदिर की आरती में आ सकता हूं? हाँ अवश्य, इसमें पूछने की क्या आवश्यकता है दामाद बाबू। और ऐसा पूछकर तो आप मुझे लज्जित कर रहे हैं। ठीक है बाबूजी, मैं शाम को मंदिर में आ जाऊंगा। दीपिका मुझे पूछ रही है खाना लगवा दें। नहीं बिरजू, दीपिका से कह देना कि हम देव का इंतजार कर रहे हैं। हम सब देव बाबू का इंतजार करेंगे। हम सबको उसकी फिक्र जो है। पर भाभी जी, का देव को हमारी फिक्र है? आओ देव बाबू, कहाँ है आपकी धर्म पत्नी? इस घर की छोटी बहू जो इस घर से भाग गई थी, और आप जो है बिना किसी को बताए उसे ढूंढने के लिए गए थे, क्या हुआ? मिली नहीं मिली? जमीन निकल गई कि आसमान खा गया? बताइए कुछ। बोल ना बेटा, अब इन सब सवालों का जवाब तो तुझे ही देना पड़ेगा ना। हाँ माँ, मैं उसे लाने गया था और वो मुझे मिली भी। तो फिर तू उसे लेकर क्यों नहीं लौटा? उसने उसने मेरे साथ आने से मना कर दिया। वो इस घर में वापस आना ही नहीं चाहती। आज से इस घर की और अब सबकी छोटी बहू कभी वापस नहीं लौटेगी। वापस नहीं लौटेगी। बोलो भगवान कुंज बिहारी की। बाबूजी, हाँ बेटा, यह आरती तो भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। हाँ बेटा, जब हम भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो उनके आशीर्वाद को इस दीप में समेट लेते हैं और उसके पश्चात दीप की लौ पर हाथ फेर कर उस आशीर्वाद को ग्रहण कर लेते हैं। भगवान ने आशीर्वाद देते समय यह नहीं सोचा होगा कि कौन इसे ग्रहण कर सकता है और कौन नहीं, तो फिर हम क्यों भेदभाव कर रहे हैं? आप सब लोग शायद मुझे नहीं जानते, मैं एक राजपुरोहित हूं। पूजा पाठ धर्म कर्म इन सबसे अनजान नहीं हूं मैं। हमारे घर में यही माना जाता है कि एक भक्त का कोई जात कुल या धर्म नहीं होता। एक भक्त का अपमान करना मतलब भगवान का अपमान करना होता है। मेरी आप सब लोगों से एक विनती है, अगर इस मंदिर में उसी तरह का भेदभाव हो रहा है तो आज के बाद वो ना हो। दामाद बाबू, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपका आभार किन शब्दों में व्यक्त करूं।
कुछ मत कहिए बाबूजी, मैं तो सिर्फ वही कर रहा हूं जो कान्हा मुझसे करवा रहे हैं। बाबूजी, मैं थोड़ी देर मंदिर में रहना चाहती हूँ, बहुत दिन हो गए हैं, मंदिर बहुत अस्त व्यस्त पड़ा है, मैं इसे सवार दूंगी और रंगोली भी बना दूंगी। सत्य कह रही हो बेटा, तुम्हारे बिना तो ये मंदिर सूना सूना था, परंतु रात्रि के पूर्व लौट आना। जी बाबूजी। आइए तमाता, मुझे कभी छोड़ के मत जाना। क्यों कान्हा, क्यों क्यों हो रहा है ये सब, क्यों मुझे बार बार उनका ख्याल आ रहा है, क्यों फिर से मेरे मन में उनके लिए प्यार उमड़ रहा है। नहीं कान्हा, आप विशाखा को उनके जीवन में फिर से ले आइए। अगर वो मेरे आस पास रहे तो मैं उनकी ओर खींची चली जाऊंगी, और ये गलत है कान्हा, ये गलत है। मेरे मन ने निर्णय ले लिया है कि मैं अपना जीवन आपकी भक्ति और सेवा में बिताऊंगी, तो फिर क्यों क्यों मेरा मन उन्हें बार बार पुकार रहा है। क्या हुआ राधिका, तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ। विशाखा भोली है, उसने ये कदम किसी के बहकावे में आके उठाया है। मैं उसे बचपन से जानती हूँ, ये हाल बस कुछ ही दिनों का है। वो लौट आई अपने परिवार की खातिर, अपने बाबूजी की खातिर, अपनी माँ की खातिर, अम्मा की खातिर, हम सबकी खातिर। बार बार ऐसा कहने से सच नहीं बदल जाएगा राधिका, सच तो यह है कि विशाखा वापस आना ही नहीं चाहती, और दूसरा सच यह है कि उसके वापस आने की उम्मीद मैंने छोड़ दी है। विशाखा, अपने आप को संभालो राधिका, तुम्हारे बस में कुछ नहीं है, और ऐसे रोने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। हम दोनों सिर्फ एक नाम की जिंदगी जी रहे थे, जिसमें ना वो खुश थी और ना ही मैं। आप यहां से चले जाइए, मैं कुछ समय अकेले बिताना चाहती हूँ। राधिका, मैं तुम्हें यहां अकेले छोड़कर नहीं जा सकता, बस कुछ ही देर में अंधेरा भी हो जाएगा, बादल भी गिर आए हैं और हो सकता है कि बारिश भी हो जाए। तुम सही सलामत घर पहुंच जाओ, और उसके बाद मैं भी घर चले जाऊंगा।
आपकी दादी माँ का फोन आया था। वो पूछ रही थी मठ के प्रस्तावित स्थल पर राधा कृष्ण की मूर्ति लगानी है, तो उसका शुभ मुहूर्त क्या है? तो फिर कब का निकला शुभ मुहूर्त? कल। कल का दिन अत्यंत शुभ है। अभी तो सारी तैयारियां बाकी है बाबूजी, सब अधूरी रह जाएंगी। व्यवस्थाएं करना कठिन नहीं होगा दामाद बाबू, और पूजा का समस्त प्रबंध मैं स्वयं कर दूंगा। राधे राधे दामाद बाबू। राधे राधे। और बाबूजी मूर्तियां भी अभी अभी आई है, उनका श्रृंगार करना भी बाकी है। उसकी आप तनिक भी चिंता ना करें दामाद बाबू, आपका यही मंतव्य है ना कि मूर्तियों का श्रृंगार अल्प समय में उत्तम प्रकार से हो जाए। राधिका बेटा। जी बाबूजी। तुम सदा से ये चाहती थी ना कि राधा कृष्ण की प्रतिमा का श्रृंगार करो, उन्हें आभूषण पहनाओ, वस्त्र पहनाओ। दामाद बाबू, यदि राधिका राधा कृष्ण की प्रतिमाओं का श्रृंगार करे तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं नहीं बाबूजी, मुझे क्या ऐतराज हो सकता है, बल्कि मुझे तो खुशी होगी अगर राधिका मठ के काम में मदद करेगी। राधिका, तुम्हें सदा इस कार्य के प्रति बहुत रुचि थी ना, तुम्हें अवसर भी मिल रहा है और अधिकार भी मिल रहा है, पूरे बनयोग से करना बेटा। जी बाबूजी, मैं मन लगाकर उनकी साथ सजावट करूंगी, और वैसे भी मुझे आश्रम से अपने कान्हा को वापस लेकर आना है। हाँ हाँ अवश्य, उन्हीं कान्हा ने तो तुम्हें मेरे पास वापस भेजा है। बाबूजी, मैं घर पे भी सबको बता दूंगा, और कल सुबह मठ जाते हुए राधिका को लेते हुए जाऊं। हाँ ये उचित रहेगा, है ना राधिका? बाबूजी, मैं अपने आप चली जाऊंगी। हाँ हाँ वो चली जाएगी ना सुबह। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। देवकी जी, मैं दामाद बाबू को तनिक बाहर तक छोड़कर आता हूँ। या ब्रह्मा चित शंकर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वंदिता तामां पात सरस्वती भगवती निषेजाद्यापा। मूर्ति स्थापना स्थल का पूजन प्रारंभ किया। जी देव बाबू आई। इधर बैठे। आरंभ कीजिए। आपकी पत्नी कहाँ है देव बाबू? राधा कृष्ण को चिरंतन जुगल माना गया है बेटे, उनकी मूर्ति की स्थापना केवल विवाहित जोड़ा ही कर सकता है। जब तक की अर्धांगिनी संग न हो, कोई भी पुरुष उनकी स्थापना नहीं कर सकता है। आप तो जानते हैं स्थापना संस्कार की यही विधि है। राधा और कृष्ण की मूर्ति की स्थापना केवल विवाहित युगल ही कर सकता है। गुरुजी, देव बाबू की पत्नी नहीं है। Thank you.
उचित यही होगा देव बाबू कि आप अकेले ही पूजा आरंभ करें। इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। अकेले आपका मतलब है सारी रीतियों को सारे विधानों को तोड़ दिया जाए। शास्त्री जी ज्ञानी पुरुष होकर आप भी ऐसी बातें करते हैं। वर्षों से चली आ रही परंपराओं को साथ में नहीं रख सकते हम, इसलिए देव बाबू बिना पत्नी के ये स्थापना नहीं कर सकते। वो अकेली नहीं है। मैं यहाँ हूँ, इनकी पत्नी, इनकी पत्नी, इनकी पत्नी, की अर्धांगिनी, की अर्धांगिनी। ये पूजा करने का पूरा अधिकार है। शास्त्री जी आप भूल रहे हैं, स्वयं भगवान श्री राम को अश्वमेघ यज्ञ में बगैर धर्म पत्नी के नहीं बैठने दिया गया। अब बताइए आप लोग, अब जब भगवान स्वयं इस धर्म को नहीं तोड़ पाए तो फिर हम और आप कौन लोग हैं, बोलिए। सुशील, ये मठ देव का है, इसीलिए ये पूजा देव ही करेगा। वाह चाची मां, वाह। सपने टूट गए वैशाली, बड़ा इंतजार था ना हमें हमारी छोटी बहू का, हमने तो बस इतना ही चाहा था कि हमारे देव को दुनिया की सबसे अच्छी लड़की मिले, और देखो क्या हो गया। जब तक घर में रही हमारे देव को कोई खुशी ना दी, जाने के बाद भी हमारे बेटे को दुख उठाना पड़ रहा है। एक बात कहूं माँ जी, मुझे लगता है ना इन सब में कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। इतने बड़े बड़े फैसले झट से ले लिए हमने, सिर्फ अच्छा परिवार देखकर खुश हो गए। मुझे ज्ञात नहीं माँ जी कि मुझे क्षमा मांगने का अधिकार है भी अथवा नहीं। मेरे ही कारण देव बाबू का इतना पान हुआ। मैंने एक ऐसी कन्या आपके घर में विदा कर दी जो आपके परिवार के योग नहीं थी। सुनिए जी,
जी देवकी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है जी। कहिए। दरअसल मैं बताना चाह रही थी जी कि इस विषय में जी जी वो देव देव बाबू का विवाह। बहुरिया का कह रही है बहुरिया? हाँ का कहना चाहते तू बहुरिया? नहीं ना कि देव बाबू का विवाह गलत घड़ी में हो गयो, यही वास्ते उकी जोड़ी जमीना और विशाखा घर छोड़कर चली गई। पर अब जो हो गयो सो हो गयो, होनी को कौन टाल सकत है बहुरिया। मैं तनिक मंदिर के लिए पूजा सामग्री लेने जा रहा हूं। का करत है तू? हाँ तुमको कोई सुध-बुध भी है कि ना है? बैठ बैठ, का चल रहा है तेरे मन में? अम्मा जी मैं इन्हें सच बताना चाह रही हूँ। अब मैं और चुप नहीं रह सकती अम्मा जी, और आज जो कुछ हुआ उसके बाद मेरा चुप रहना बहुत मुश्किल हो गया है अम्मा जी। पगलाई गई है मत मारी देंगे कटोरी। बाबूजी, चलिए ना मंदिर, देर हो रही है। हाँ बेटा चलो। राधिका, बेटा बाबूजी अभी आते हैं, तू जाके तब तक गाय को चारा डाल दे। अच्छा। आप बैठिए जी, मैं चाय लेकर आती हूँ। अम्मा कहाँ गई है? जी वो दीक्षित जी के यहाँ अखंड रामायण का पाठ है ना, बस वहीं गई हुई है। अच्छा अच्छा क्या बात है देव जी, क्या चल रहा है आपके मन में? मैं कल से देख रहा हूं आप मुझसे कुछ कहना चाह रही हैं, कहिए ना देवकी जी। जी जी वो मैं कुछ सोच रही थी, बस उसी बारे में आपसे बात करनी थी। वो मेरी होशंगाबाद वाली मौसी जी है ना, उनकी देवरानी की दो बेटियां थी। बड़ी वाली का विवाह बहुत बड़े परिवार में हुआ, अच्छा लड़का अच्छा परिवार, पर वो उनकी बेटी वो सुख देखने के लिए ज्यादा दिनों तक नहीं रही। उन लोगों को अपना दामाद बहुत प्यारा था, उसका अकेलापन उनसे देखा नहीं गया, तो उन्होंने अपनी छोटी बेटी की शादी भी उसी दामाद से करवा दी। अब उनकी बेटी बहुत खुश है जी, उसके ससुराल वाले और उसका पति उसे बहुत प्यार करते हैं। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।